सब्सक्राइब कीजिए बुटवक जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना बुटवक जेट के यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जैसे आपको फोर सीलिंग लगानी है तो वो कैसे लगाई जाती है, जो हमारी फोर सीलिंग में MDF की जो जाली होती है CNC जाली कटिंग, तो उसको किस तरीके से लगाना चाहिए और उसमें जो डिज़ाइन होता है हमारा उस डिज़ाइन के बारे में किस तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता भी चलेगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो में चलते हैं। तो आपको MDF जो लगाना है, MDF जो जाली होती है हमारी CNC जाली कटिंग हमारी जो छत में लगाई जाती है फोर सीलिंग, तो वो देख सकते हैं आप, इसको लगाना बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं, तो इसको आसानी से आप लगा सकते हैं। तो अपना आपको जैसा भी डिज़ाइन होता है अपना, जिस तरीके से भी डिज़ाइन आप बनवाते हो उसमें, तो अपने डिज़ाइन के हिसाब से हमें उसका डिज़ाइन यानी कि मिलकर आना चाहिए हमारा, उसी तरीके से उसका डिज़ाइन बनाया जाता है पहले ही। और इसमें हमारा जो लगाया जाता है, सबसे पहले हमें इसमें जो हमारे फोर सीलिंग में L लगाए जाते हैं, तो उसमें देख सकते हैं अपने L जो होते हैं हमारे, L लगाए जाते हैं, ये देख सकते हैं अपने L आपको जो लगाने हैं, तो उसी के हिसाब से लेवल से लगाने हैं आपको। जैसे छत में लगाने हैं तो अपना जो लेवल नीचे से हमारा MDF जो होता है वो जो हम लगाते हैं, तो उसका लेवल आना चाहिए, तो उसी हिसाब से हमें L लगाने होते हैं। उसमें अपना लाइट आपको जितनी लगानी है उसी तरीके से आप लाइट लगा सकते हैं। तो जैसे हमारा लाइट लगती है इसके अंदर, तो हमारी लाइट उसी हिसाब से लगाई जाती है जैसे हमें जितनी लाइट की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा लाइट बाहर जो निकले हमारी, जो हमारी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए इसमें, तो वो प्रॉपर बराबर आनी चाहिए और अच्छी लाइट आनी चाहिए, तो उसी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो इसको आप ड्रिल करके अपना, जैसा हमारा ड्रिल करके लगाया जाता है, तो उसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। पहले ड्रिल करनी होती है हमारे, इसलिए करनी होती है ये ड्रिल, इसमें उसी जो हमारा जितना बड़ा इसमें जितना मोटा हमारा पेच होता है, जैसे स्क्रू होता है, जैसे हमारा 1.5 mm का, जैसे 1.5 सूत का, तो 1.5 सूत के विड्थ के हिसाब से ही आपको उसमें सुराख करना होता है, सिर्फ MDF में और एक्रिलिक में करना है। जो हमारा ऊपर बोर्ड की जो L बनाए उसके अंदर नहीं करना आपको, उसमें सिर्फ हमारा पेज टाइट होना चाहिए हमारा, इसलिए किया जाता है इसमें। हमारी एक्रिलिक जो होती है, अगर हम डायरेक्ट पेज कसते हैं तो वो फटने का चांस रहता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर ऐसा करते हो आप तो एक्रिलिक फट जाती है, जो हमारी एक्रिलिक जो होती है ऊपर लगाते हैं हम, जो अपनी 3 mm की एक्रिलिक लगाते हैं तो फट जाती है, तो उसमें जब फट जाती है तो वो अपने लाइट के बाहर, जब वो लाइट जलती है तो उसमें बाहर से दिखती है, तो उस चीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हमारी जो ड्रिल होती है तो उसी हिसाब से होती है कि हमारी उसमें जो हमारा पेच है, पेच के लगाने के लिए हमारा जगह बन जाए, उसमें जगह बनाने के लिए इसलिए ही हमें उसका होल करना ज़रूरी होता है, और उसमें हमारा पेच प्रॉपर टाइट होना चाहिए। प्रॉपर टाइट नहीं होगा पेच तो आपके फ्लोर सीलिंग सही नहीं लगेगी। तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको, जो जैसे आपको चारों साइड लगाना अपना, तो किस तरीके से लगाते हैं, और अपना देख सकते हैं इसमें लाइट हमने एक, जैसे लाइट की लड़ी एक ही लगाई है, इसमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा इसमें फोर सीलिंग में ज़्यादा लाइट है, तो उस हिसाब से आप लाइट लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लाइट चाहिए इसमें फोर सीलिंग के, जो अपना MDF जाली लगती है, जैसे अपना CNC जाली कटिंग, तो उसमें ज़्यादा लाइट चाहिए, ये देख सकते हैं डिज़ाइन आपका मिलकर आना चाहिए, तो उसमें उसी लाइट के हिसाब से आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। लाइट जितनी आपको ज़रूरत है उसी हिसाब से लगा सकते हैं, बाकी तो उसमें जितनी लाइट लगती है, 2 लड़ी या 3 लड़ी, उसी तरीके से लगाई जाती है, और हमारा L वैसे ही लगाई जाती है। ये देख सकते हैं अपना, ये जो होते हैं हमारे मिरन स्क्रू होते हैं, ये हमारे कैप वाले आते हैं, तो ये मिरन स्क्रू होते हैं, और इसमें अंदर हमारा जो कैप होता है, कैप कसने के लिए ऊपर से पहले अंदर पेच के अंदर वो लगाया जाता है हमारा, जो उसका टाइट करने के लिए पेच में जो हमारा लगता है कैप जो होता है, जिसके ऊपर जो हमारी चूड़ी कटी हुई होती है, तो वो पहले पेच के अंदर लगाया जाता है, तो उसको आप उसी तरीके से टाइट कर सकते हैं। जब तक आपका पेज प्रॉपर टाइट नहीं होगा तो ऊपर से आपका कैप भी टाइट नहीं हो सकता, क्योंकि घूमता रहेगा वो दिक्कत रहेगी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और मैं दिखा भी देता हूँ आपको, जो आपको जो पेज लगाने हैं वो किस तरीके से आते हैं, कैसे आते हैं। तो आपको डिज़ाइन उसी हिसाब से लेना, जैसा भी आप डिज़ाइन जहाँ भी आप लगाते हो, तो अपना डिज़ाइन प्रॉपर आना चाहिए, उसी जगह के हिसाब से आपको डिज़ाइन बनाना होता है, और इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, बहुत आसान है इसको लगाना, और बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं इसको। इसमें जो हमारा आप, जैसे आपको ये देखना कितने mm की एक्रिलिक सीट होती है हमारी, ये तो हमारी ऊपर से लगाई जाती है। जैसे आपको मंदिर में लगानी हो, जैसे पीछे की साइड होती है, तो जैसे मंदिर का जो डिज़ाइन होता है हमारा, उसमें लगानी होती है, तो उसको किस तरीके से रोकना चाहिए, आपको कैसे लगानी चाहिए, उसके लिए मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको जैसे मंदिर की लगानी है लाइट, जैसे आपको MDF लगाना है, उसके पीछे अपनी एक्रिलिक सीट लगानी है, तो उसको रोकने के लिए भी अपना उसमें बताया गया उस वीडियो में, आपको जो रोकना होता है वो कैसे रोका जाता है हमारा। जैसे हमारा खड़ा पीस होता है, जैसे हमारा MDF जो होता है मंदिर का, ये देख सकते हैं अपने ऊपर से कैप इस ऐसे लगाए जाते हैं, और इसके अंदर हमारा ये अपने अंदर एक
पेच होता है जिसमें हमारा नेट, जिसमें हमारा पेच लगता है, ये कैप कैप इसके ऊपर टाइट हो जाता है, हमारा स्टार्ट होता है तो उसी के ऊपर हमारा ये लग जाता है। इस तरीके से हमारा ये पेच लगाया जाता है। तो पेच आपको उतना लंबा लेना है, 1.5 इंची या 2 इंची, जो भी अपने मजबूती होनी चाहिए MDF में, जो हमारी पकड़ इसी से ही होती है, तो ये ऊपर से ऐसा टाइट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, मार्केट में मिल जाता है और आप ले सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलता, अगर दिक्कत आती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक दिया हुआ, तो वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं इन चीज़ों का। तो इसी तरीके से हमारा लगाया जाता है। तो इसमें मैं आपको इस चीज़ का बता देता हूँ, जैसे मंदिर का जो हमारा होता है, मंदिर का जो खड़ा पीस होता है, तो उसमें जो हम एक्रिलिक लगाते हैं, तो एक्रिलिक हमारी MDF से और एक्रिलिक में गैप नहीं आना चाहिए। तो उसको रोकना आपको किस हिसाब से है, कैसे रोकना है उसमें, जैसे आपको निशान लगाना है तो किस हिसाब से लगाना चाहिए, कैसे रोकना चाहिए, वो सारे वीडियो का जो आपको तरीका उसमें वीडियो में दिखाया गया, वैसे आप देख सकते हैं उसमें, और आप उसमें आप आसानी से लगा सकते हैं। तो हमारा MDF जो जाली होती है, वो इसी तरीके से लगाई जाती है छत के अंदर, और इसको लगाने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो बहुत आसान है इसको लगाना। आप लाइट अपने हिसाब से, इसमें लाइट के कलर जैसे आपको देने हैं, आपको जो भी कलर देना है, इसमें कलर इसमें काफ़ी आते हैं लाइट के जो हमारे होते हैं, तो अपने हिसाब से आपको वाइट देनी है वाइट दे सकते हैं, जैसे भी आपको कलर लगाना है वैसे उस तरीके से आप कलर दे सकते हैं इसमें। तो हमारा जैसे आपको ब्लू लगानी है, ब्लू भी लगा सकते हैं, तो मैं उसका भी दिखा देता हूँ आपको वीडियो, दूसरे घर का हमने उसमें लगाया था, तो उसमें कैसा लगता है, और उसमें लगाने में लाइट अच्छी लगती है इसमें। अगर आप घर की जो शान होती है शीशे बन जाती है, यानी कि जो हमारी खूबसूरती होती है ड्राइंग रूम की, लिविंग रूम की या बेडरूम की, इसी से खूबसूरती बनती है, और देखने के बाद अपना लगाने के बाद बहुत सुंदर लगता है घर, बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं वो हमारा बिलू में इस तरीके से डिज़ाइन आता है, और देखने में आप देख सकते हैं इसमें डिजाइन बहुत अच्छे बनते हैं, इसमें बहुत बहुत अच्छे डिज़ाइन बन जाते हैं। और उस पर पीओ पॉलिश होती है, पीओ पॉलिश आपको लगाने से पहले ही करानी होती है, जो हम फिटिंग करते हैं तो उससे पहले आपको पॉलिश करानी ज़रूरी होती है, उसके बाद ही आपको ये फिट करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसमें जो हमारा पीओ पॉलिश होता है, तो आपका एक्रेलिक पर लग सकता है, कलर उस पर लग सकता है, तो उसमें अपना कलर अब कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप, तो उसमें किस तरीके से साफ़ करना, तो वो पहले ही आप लगा के उसको बाद में ही फिट करना ज़रूरी होता है। तो उसी तरीके से आप लगा सकते हैं। इसमें दो दो पीस हमारे उल्टे लग गए थे, दो पीस सीधे हो गए थे पीओ पॉलिश, तो ये खोल कर हम दोबारा करवाएंगे, पहले हम उसको फिट करके देख रहे हैं, तो इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ये तरीका था हमारा लगाने का। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड।